हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू औषधि। घरेलू औषधि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बी नेचुरल बी हेल्दी, लाइफ में नेचुरल रहें, स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, आज आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ कि आंवले का तेल जो घर में है वो कैसे शुद्ध और सरल तरीके से बनाया जा सकता है, उसके बारे में आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे लास्ट तक देखते रहिए और आपको घर में कैसे आसानी से प्योर, शुद्ध और सरल तरीके से आंवला को कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पूरा जिक्र आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, बताते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता है, उसको आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस। जो लोग इंग्लिश में कंपेटेबल हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सामग्री, यस, महत्वपूर्ण सामग्री में क्या है? महत्वपूर्ण सामग्री में आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण सामग्री में फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको सबसे पहले रखनी पड़ेंगी। वो ये हैं कि देखिए, हरा आंवला चाहिए आपको, ध्यान रहे। और दूसरा चाहिए सूती कपड़ा, और तीसरा चाहिए लोहे की कढ़ाई, और चौथा चाहिए आपको तिल तेल 500 ग्राम। जी हाँ, तिल तेल 500 ग्राम चाहिए। तिल तेल काले तिल का होना आवश्यक होता है इसमें। तो ये चार आवश्यक चीज़ें हैं, हरा आंवला, सूती कपड़ा, लोहे की कढ़ाई और तिल तेल 500 ग्राम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना इसके आप अच्छे से आंवला का तेल नहीं बना सकते। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है फ्रेंड्स, आप इसे अवश्य अपने पास रखें बनाते समय। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि कई लोग इससे अनभिज्ञ हैं, तो लाइक करें, शेयर करें इसको। आइए चलते हैं कैसे बनाएं तेल। जी हाँ, तेल को कैसे बनाएं, यह एक महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बता देता हूँ तेल को कैसे बनाया जाता है। हरे आंवलों को, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हरे आंवले को कुचलकर साफ कपड़े से छानकर 500 ग्राम रस निकाल लें। ध्यान रहे, रस 500 ग्राम ही होना चाहिए ताकि जो रेशियो हो वो फिट बैठे। तो आंवला जितना भी हो आपको उसको कुचल कर, कूट कर, पीस कर, मतलब जैसे भी हो, शुद्ध फ्रेश आंवले का 500 ग्राम रस निकाल लें। उसको छान कर अलग पात्र में, अलग बर्तन में रख लें। उसके बाद आपको क्या चाहिए, लोहे की कढ़ाई में, जी हाँ, लोहे की कढ़ाई में रस को डालकर, जो आंवले का रस आपने निकाला हुआ है उसे लोहे की कढ़ाई में डाल लें, और उसमें काले तिल का तेल, जी हाँ, काले तिल का तेल 500 ग्राम डाल दें। तब धीमी आंच पर चढ़ा कर रख दें। ध्यान दें, आंच एकदम धीमी होनी चाहिए, और जैसे ही आप चढ़ाएंगे कुछ ही वक्त के बाद चटर चटर की जो आवाज़ आएगी, यानी जो भी रस के अंदर पानी वाला मटेरियल है वो बचा हुआ रहेगा, तो वो धीरे 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 जब वेपराइज हो जाएगा, तो वेपराइज के बाद वो सूख जाएगा। तो जब इसको कैसे मालूम चलेगा कि मेरा तेल बन गया, तो जब ये चटर चटर वाली आवाज़ बंद हो जाए फ्रेंड्स, तो ही आपको उसे उतारना है। ध्यान रहे, जब पूरी पानी आंवले के रस से निकल जाएगी धीरे धीरे, तो ही चटर चटर की आवाज़ बंद होगी। तो जब ये आवाज़ बंद हो जाए और हल्का एकदम शांत वाला आवाज़, मतलब लगे कि आपको नहीं अब आ रहा है, तो फिर आप इसे उतार सकते हैं। उतार कर इसे ठंडा कर लें, और अब आपका तेल बन चुका है। ठंडा करने के बाद आप इसे चाहें तो आप एक फिल्टर पेपर से या फिर सूती कपड़े से इसे छान लें, और छान कर आप इसे अपने सिर में, बालों में, कहीं भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आप इसे जिस भी काम के लिए आंवले का उपयोग होता है आप उसे लगा सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा फ्रेंड्स। और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू औषधि फ्रेंड्स।